हरियरपुर पंचायत के मध्य विद्यालय चैनपुरा बदहाली का शिकार है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की लापरवाही की वजह से सड़क जर्जर अवस्था में है। खराब सड़क होने के कारण शिक्षक, शिक्षिका और बच्चे गिरकर घायल हो चुके हैं, मगर जनप्रतिनिधियों का इस तरफ ध्यान नहीं है। हैरानी की बात यह है कि अभी पंचायत चुनाव है और यहां पर दो दो पोलिंग बूथ हैं। ऐसे में बड़ा सवाल पैदा होता है कि चुनाव कर्मी और मतदाता इस रास्ते से कैसे विद्यालय में वोट डालने पहुंचेंगे। मैम, आपका ये हाथ कैसे टूट गया? हाथ देख रही है तो कैसे टूट गया ये? सर, शनिवार को छुट्टी होने के बाद जब हम घर यहाँ से घर जा रहे थे ना, तो यहाँ जाने आने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। कीचड़ भरा हुआ है, पानी भी भरा हुआ है, उसी में पैर स्लिप कर गया, तो गिर गए हैं, हाथ में मोच आ गया। इस स्कूल के हेड मास्टर हैं, आप ये बताइए कि अभी जो आपके यहाँ आने के आने का जो रास्ता है वो पूरा पानी से भरा हुआ है, कीचड़ है, और उसमें जो समस्या हो रही है, एक शिक्षिका वो बता रही है कि गिर गई तो उनका हाथ टूट गया, तो इसकी सूचना आपने विभाग को दिया है कि आने जाने में दिक्कत होती है? विभाग तो कहे थे, BRC में लिखा देते कि हमारे विद्यालय में जल जमाव है जी, और CRC है ना, उनको हम फोटो लोड कर दिए थे जी विद्यालय का। तो इसका कोई फंड आप लोगों को नहीं मिलता है जिससे रास्ता को भरवा सकिए? रास्ता के फंड हमको जानकारी यही बात की नहीं है कि फंड भराने का, उसे हम आज से ईटा गिरवा रहे हैं, अपने अपने स्तर से हम इसको भरवाने का कोशिश हम कर रहे हैं। यहाँ पे इलेक्शन का बूथ भी होता है? हाँ, बूथ है। कितना बूथ है यहाँ पे? दो बूथ है। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News, और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।